अपन लेकर ही पास हुए थे। मेरे पास होने का तरीका, मेरे बच्चे थे, मेरे दोस्त थे, बात नहीं है मेरे और तो मेरे बीच में बोला तो मेरा यही था कि मैं मतलब मेरा जो थर्ड सेमेस्टर निकला है वो थर्ड सेमेस्टर मतलब आप लोग कभी मत करने से। मैं NIT कालीकट में था उस टाइम, सिक्किम मेरा ओरिजिनल कॉलेज था। तो कालीकट में हम लोग एक गेस्ट की तरह गए थे, दो तीन सेमेस्टर्स के लिए गए थे वहां पर। तो पहले सेमेस्टर में तो हम लोग लाइक मेहमान ट्रीट किए गए थे। तो मैंने आधा सेमेस्टर, आधा या आधे से ज्यादा सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर था हमारा, वो फर्स्ट लेक्चर में जाता था और सीधा लास्ट लेक्चर में उठता था वहां से। तो सोते सोते निकाला क्योंकि रात भर लेकिन तो मैंने आधा सेमेस्टर किया। उसका रीजन था ये आप लोग नहीं करना, ही गलत बात थी। मुझे पता था कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो मैं पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़ने का मतलब ऐसा उस टाइम लगता था कि यार पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। दो सेमेस्टर हमने ऐसी घूमने में जनरली चीज में निकाल दिए थे कि यार ठीक है घूमने मतलब कि ठीक है पढ़ लेंगे करेंगे लैब रिपोर्ट। और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होते हैं वो जनरल होते हैं, कोई अपना ब्रांच स्पेसिफिक नहीं होता है। थर्ड सेमेस्टर से सोचा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते करते तो जो पढ़ने का सोर्स था वो मेरे दोस्त ही थे। बस क्या करना होता था कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो टेस्ट से 3-4 दिन पहले वो सब आ जाते एक हॉस्टल में, मेरे हॉस्टल में, और सबको बस कि यार तुम सब्जेक्ट पढ़ ले, जेरोक्स कराकर भी लाते थे, पढ़ ले फिर मुझे पढ़ा दे। और फिर सब नहीं उस टाइप का मुझे नहीं किया जब आप खुद से पढ़ के किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टिगेट करके अच्छा ऐसा हो गया तो क्या करोगे। तो इसलिए अगर तुम्हें इधर तो खैर टाइम कम है तो इधर तुम इसलिए कोचिंग भी कर रहे हो कि जो तुम एक साल में पढ़ रहे हो वो तुम एक साल में कर ही नहीं सकते हो। तुम अगर कोचिंग में टीचर्स की हेल्प नहीं लोगे तो तुम कंप्लीट रिसर्च एंड एनालिसिस करने में तुम्हें 3-4 साल 2.5-3 साल तो लगेंगे, इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि अगर तुम रिसर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो इधर तुम बिल्कुल अपने टीचर्स की हेल्प लो, तुम्हें कुछ भी अपने मन से नहीं पढ़ना, जहां जैसे फंस रहे हो। इसलिए मैं होमवर्क का भी बोलता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में होमवर्क करो। नहीं आ रहा है टीचर से डाउट पूछो, तुम दो बार ठीक है, तुम तीन बार में सीख के जाओ ना यार, जेई तक सीख जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने तीन बार का समय एक ही बार घर में बिता दिया तो एक तो तुम सीखे भी नहीं, टाइम भी खराब हो गया और रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। इसलिए मिनिमम से मिनिमम टाइम में तुम होमवर्क करो, जो डाउट्स आ रहे हैं टीचर से पूछो, किसी दोस्त की भी हेल्प ले लो, हिंट ले लो थोड़ी सी। आंसर्स मत देखो, सॉल्यूशन मत देखो, क्योंकि